यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, आज की कुवैत की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दोस्तों, वहाँ कुवैत के गृह मंत्री और भारत के गृह मंत्री में दोनों में बातचीत हुई। तो और दोस्तों, वहाँ के विदेश मंत्री और कुवैत के विदेश मंत्री में दोनों में से बातचीत हुई है। बातचीत दौरान ये पता चला है कि दोस्तों, वहाँ पर इंडिया के जो विदेश मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री को कहा है कि वहाँ पर सिर्फ जितने भी महिला, बच्चे और जो वृद्ध है, मतलब जो मजबूर है, उन्हीं लोगों को सिर्फ कुवैत से अभी वापस लाया जाएगा और जो भी जितने नौजवान हैं उन लोगों को अभी वापस नहीं लाया जाएगा। जो लीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों में से जितने भी यंग जनरेशन के हैं, जितने उन लोगों को नहीं लाया जाएगा, सिर्फ बच्चे महिलाओं को ही सिर्फ अभी लाया जाएगा। दोस्तों, वहाँ से दूसरी जो कुवैत से अपडेट आ रही है, वो अपडेट ये आ रही है कि वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के जो कुवैत के जो किंग हैं, उन दोनों में भी बातचीत हुई। और दोनों बातचीत ये हुई कि एक दूसरे को दोनों ने ये मशवरा दिया कि कभी किसी चीज़ की आपको यदि ज़रूरत पड़ती तो मैं आपको मदद करूँगा और मुझे यदि ज़रूरत पड़ती तो मैं आपको मदद करूँगा। तो दोस्तों, दोनों में अच्छी शुरू से ही अच्छी दोस्ती रही है भारत और कुवैत में। तो भारत सरकार ने दोस्तों वहाँ पर 15 डॉक्टरों की मेडिकल टीम भेजी है कुवैत, ताकि वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर इसका इलाज हो चुके। और वहाँ पर जो मलेरिया का दवा है वो कुवैत भी भेजा गया है। कितना भेजा गया दोस्तों, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर इतना मालूम चला है कि वहाँ पे कुवैत में भी मलेरिया का दवा भेजा गया है। क्योंकि दोस्तों, मलेरिया के दवाई से ये बीमारी को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है, बहुत लोग वहाँ पे ठीक हो रहे हैं इंडिया में भी, और हर देश मलेरिया की दवा को इंडिया से मांग रहा है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी अपडेट। तीसरी दोस्तों जो अपडेट है कुवैत से, वो ये आ रही है कि कुवैत में एक अफवाह उड़ रही थी और उफा ये उड़ रही थी कि वहाँ पे बोला जा रहा था कि पूरे कुवैत में कर्फ्यू लगाया जाएगा, मतलब पूरे कुवैत में पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा, पूरे हर शहर, हर जगह, हर जिला, हर गांव, मोहल्ला में सब जगह वहाँ पे कर्फ्यू लगेगा। पर दोस्तों, ये सिर्फ अफवाह थी। हर जगह कुवैत में हर जगह कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है, कुछ जगह ही लगा हुआ है। जो सख्ती से जहाँ जहाँ लगाया गया वो है महबूला, जलीब अल सोएब और फरवानिया जैसे जगहों पे कुछ ज़्यादा सख्ती दिखाया जा रहा है। बाकी जब बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत ऐसे शहर जिला है जहाँ पे इतनी सख्ती कर्फ्यू को लेकर नहीं है, बस वहाँ पे कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसका वहाँ पे सख्ती से पालन करने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट, तो मैंने आप सोचा आप तक शेयर करूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताओ। यदि वीडियो को पसंद आता है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक लीजिए।